everyone, welcome or welcome back to my channel Create Awesome Things. Welcome to yet another interesting video जहां मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से DIYs. इन सारे के लिए प्राइमरली मैंने यूज किया है जूट रोप का. जूट रोप एक ऐसा आइटम है जिसको आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं, लाइक इससे आप कुछ भी बना सकते हो लिटरली. तो मुझे लगा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे आइडिया शेयर करती हूँ जो बहुत ही एक्सपेंसिव तो लगता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. बहुत इजी है इन सारे को क्रिएट करना, क्योंकि इस तरह के आइटम्स जनरली आप किसी भी हैंडीक्राफ्ट स्टोर में या फिर हैंडीक्राफ्ट मेला में आपने देखा होगा. तो क्यों ना इन सारे को खुद से क्रिएट भी किया जाए. सो इसलिए मैं इन सारे को अपने घर के लिए तो क्रिएट कर ही रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, तो प्लीज टेक अ मोमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आगे बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले कि मैंने वीडियो अपलोड किया है. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक इट आउट कि मैंने क्या बनाया है इस वीडियो के लिए. इन सारे के रिजल्ट्स मुझे बहुत अमेजिंग लगे, आई होप आपको भी उतना ही ब्यूटीफुल लगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन. तो यहाँ पे मैं जूट रोप का तो यूज करूंगी, बट उसके लिए मुझे एक बेस की भी जरूरत थी, जिसके लिए मैं यहाँ पे ये फूड कंटेनर को यूज कर रही हूँ. ये प्लास्टिक का है तो, और मुझे इसी तरह से सर्कुलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसे ही यहाँ पे सेंटर से आप देखो मैंने कट कर लिया है एंड इस शेप में इसको रखा है. अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे जूट रोप से इसको कवर कर दूंगी, बिकॉज ये जूट रोप वाले आइडियाज है तो ऑब्वियसली जूट रोप तो होगा ही. तो पूरे जो ये सर्कुलर पार्ट है इसको मैं कवर कर दूंगी यूजिंग दिस जूट रोप. तो चलो देखते हैं कि किस तरह से मैंने इसको कवर किया है. पूरे को ही कवर करना है ये, तो इस तरह से मैं यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस जूट रोप को रैप किया है. आप चाहो तो आप बाहर वाले पोर्शन को अलग से एंड अंदर वाले पोर्शन को अलग से भी कवर कर सकते हो. तो चलो सबसे पहले इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करते हैं एंड देन देखते हैं कि इसको मैंने आगे कौन सा फाइनल रूप दिया है एंड ये कैसा दिखता है. तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया है. यहाँ पे मैंने एक इस तरह का स्विंग क्रिएट किया है एंड इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें और भी डेकोरेटिव आइटम्स ऐड करूंगी सो दैट ये कलरफुल लगे, बिकॉज जूट रोप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इसी कलर का है, तो मैंने इसको पेंट नहीं किया है, इसको एज इट इज रखा है. इसीलिए बाकी जितने भी एलिमेंट्स मैं ऐड करूंगी वो सारे काफी ज्यादा ब्राइट एंड कलरफुल है. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने काफी सारे टैसल्स यहाँ पे क्रिएट कर लिया है एंड देन उसके बाद मेरे पास इस तरह से दो बर्ड्स थे एंड ये कुछ ट्विग्स, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इन सारे को अरेंज करते हैं सो दैट ये कंप्लीट हो. आप चाहो तो आप इसको कलर भी कर सकते हो, मतलब ये जूट रोप के ऊपर बहुत ही इजीली आप कलर कर सकते हो, बट मुझे इसको जूट रोप के ही जो कलर है इसी कलर में चाहिए था, तो मैंने इस पर कोई भी पेंट नहीं किया. अगर आप पेंट यूज कर रहे हो तो एक्रिलिक पेंट से आप इजीली पेंट भी कर सकते हो. तो देखो कितना ईजी है, बहुत ही क्विक भी है, मतलब आप 5 to 10 minutes में आप बना लोगे. इसको आप घर के अंदर भी रख सकते हो एंड ये अच्छा स्मेल भी करेगा आर्टिफिशियल फ्लावर्स के ऊपर, या पूरे में ही आप कुछ परफ्यूम या कुछ भी स्प्रे आप कर दो एंड देन आप इसको घर के अंदर रखते हो तो हमेशा एक बहुत ही एक फ्रेग्रेंस रहेगा, तो घर का एनवायरनमेंट जो है वो भी थोड़ा अच्छा लगेगा. एंड अगर इसको आप बालकनी में प्लेस करते हो, गार्डन में प्लेस करते हो, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. ग्रीन प्लांट्स के साथ इसका लुक देखो कितना ब्यूटीफुली निकल के आया है. तो ये आइडिया आपको कैसा लगा जरूर बताना, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है और बहुत ही इजीली आप भी इसको क्रिएट कर सकते हो. तो जरूर क्रिएट करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक वुडन प्लैंक एंड इसके ऊपर ऑलरेडी आप देख रहे हो कि लैमिनेट किया हुआ है, तो बेस मुझे इसी में ही चाहिए था, मतलब यही कलर में चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं किया है, सिर्फ मैं यहाँ पे बॉर्डर्स दूंगी, तो इसलिए बॉर्डर को मैं यहाँ पे पहले मार्क कर लूंगी। अब यहाँ पे रैंडम एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी डिजाइन्स आप क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ ये जूट रोप को आपको पेस्ट ही करना है, तो आप चाहो तो आप हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर सकते हो जो कि बहुत ही इजीली पेस्ट हो जाएगा, एंड अदरवाइज आप इसको किसी भी ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हो, तो इन दैट केस थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा मेसी भी हो सकता है, बट ग्लू गन से ये काफी इजीली एंड बहुत ही क्विकली पेस्ट हो जाता है। तो इसमें डिजाइन तो ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिजाइन मैंने जो डिसाइड किया था उसे ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप चाहो तो आप इसमें कोई भी रैंडम डिजाइन कर लो, बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट जो डिजाइन है ये कैसा भी हो, कैसा भी डिजाइन आप इसमें बनाओ वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता ही है, बिल्कुल एस्थेटिक लगता है एंड मॉडर्न होम डेकोर में ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पे चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत ही इजी है ये, अगेन वही 5 मिनट्स में ही क्रिएट हो जाएगा, बट एकदम एक्सपेंसिव लुकिंग एक वॉल डेकोर आपके पास भी हो सकता है, तो चलो इसका देखते हैं कि मैंने किस तरह से इसको क्रिएट किया है एंड देन आपके साथ आगे शेयर करती हूँ इसका फाइनल आउटकम। यहाँ मुझे डिजाइन्स में इतने ही चाहिए थे तो मैंने इसी तरह से इसको रखा है। अब ये जो बॉर्डर्स मैंने रखे थे इसको मैं ब्लैक पेंट कर दूंगी। ये सारे कलर ऑप्शंस तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, मुझे ये वाले जूट रोप का कलर ही चाहिए था, मतलब मुझे इस बार इस पर कोई भी पेंट नहीं चाहिए था, बट देन ये इस बैकग्राउंड पे थोड़ा फीका लगता है, इसलिए एक बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई भी पेंटिंग या कुछ भी इस तरह का अगर क्राफ्ट क्रिएट करते हो, जब भी आप इसमें बॉर्डर दे दोगे, देखो इसका लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है लुक एकदम से। तो यहाँ पे इसके बाद ये बॉर्डर को भी डिफाइन करने के लिए अगेन मैं जूट रोप से ही इसको बॉर्डर दे दूंगी, मतलब ये इनर बॉर्डर एंड आउटर बॉर्डर दोनों ही मैं इस जूट रोप से ही करूंगी एंड देन ये कम्प्लीट हो जाएगा, है ना, ये भी एक ईजी सा आइडिया, तो ज़रूर क्रिएट करना और किसी से भी आप ये बच्चों को भी दे सकते हो एक्टिविटी में, वो भी इन सारे को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये सारे तो वेस्ट मटेरियल ही है, ये वुडन प्लैंक मुझे ऐसे ही पड़ा हुआ मिला एंड देन ये जूट रोप भी काफ़ी इनएक्सपेंसिव ही है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब देखो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा रेशे निकले हुए रहते हैं मैं उसको हमेशा इस तरह से बर्न कर देती हूँ सो दैट वो सारे एकदम क्लीन हो जाए। आप अगर इस तरह से नहीं चाहते हो तो आप इसके ऊपर फेविकॉल का एक कोट अप्लाई कर दो तो सारे रेशे एक साथ स्टिक हो जाते हैं। देखो ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, किसी भी बैकग्राउंड में आप इसको रख सकते हो, साथ में थोड़े ग्रीन प्लांट्स ऐड कर दो, कुछ एस्थेटिक आइटम्स ऐड कर दो एंड ये आपका एक वॉल डेकोर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सेट में भी आप क्रिएट कर सकते हो, अगर आप क्रिएट करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली शेयर करना और ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 सर्कल्स इस तरह से कट आउट कर लिया है कार्डबोर्ड से एंड देन इन सारे को हम यहाँ पे ये जूट रोप से रैप करेंगे। तो ये तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ इसको आपको इस तरह से रैप करना है एंड ये क्राफ्ट भी बहुत ईजी है बट बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। किसी भी स्टोर में अगर आप जाके इसको परचेज करते हो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, मतलब ऑब्वियसली उतना ज़्यादा प्राइसी नहीं है बट देन जूट रोप के क्राफ्ट के लिए जितना भी वो चार्ज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए आप इस तरह के आइटम्स खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, जब आप क्रिएट कर ही सकते हो तो आप मार्केट से जाके क्यों परचेज करोगे, अपने वे से इसको कस्टमाइज करो एंड देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लगेगा, एक अलग सा सेटिस्फैक्शन होता है जब आप खुद से कुछ क्रिएट करते हो। तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है, मतलब इसमें तो कुछ करने वाली है ही नहीं, सारे रिंग्स को इस तरह से सिर्फ जूट रोप से कवर कर दो एंड देन इसमें आप बाकी कुछ भी एलिमेंट्स आपको चाहिए होगा तो हैंगिंग आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हैंगिंग के लिए मैंने जूट रोप को ही इस तरह से ऐड कर दिया है
यहाँ पे दो बीड्स मैंने अच्छे से इस पे पेंट कर दिया है, मतलब थोड़े बहुत डिजाइंस एकदम सिंपल सा ये मैंने ही बनाए थे, ये टेराकोटा मिट्टी का ही है क्ले का, तो इस बीड के ऊपर मैंने सिर्फ थोड़े से ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है एंड देन यहाँ पे ये वाइट टैसल्स मैंने ऐड कर दिया, बस ये इतना ही है। देखो कितना ज़्यादा इजी है बट कितना ज़्यादा प्रिटी भी है। इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हो, आप मेन गेट पे हैंग कर सकते हो, आप बालकनी में यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका मन आप उस हिसाब से रख सकते हो। आप इसको एज अ कर्टन होल्डर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब कर्टन टाइज नॉट होल्डर, तो कर्टन टाइज की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया हो और ज़रूर बताना कि आपको ये सारे आइडिया में से कौन सा आइडिया फेवरेट है। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।